प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। करनी सेना, ये तो मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। तो दिन में 5,000 कॉल करते हैं, तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई है। बाकी इस पर मूवी आ रही है तो विदेश करी बैटमैन फटा। देखिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, मैं अंदर फैशन शो देखने जाऊँगी, किसी फिल्म के बारे में नहीं कहना है क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत हो गई है। और मैंने पद्मावती फिल्म को सपोर्ट किया क्योंकि रणवीर मेरी फ्रेंड है, दीपिका मेरी फ्रेंड है, शाहिद के साथ तो फिल्म भी कर चुकी हूँ, तीनों के साथ काम कर चुकी हूँ मैं। तो जैसे मैंने पद्मावती फिल्म को सपोर्ट किया तो कोई क्या काली सेना, नहीं नहीं करनी सेना, ये तो मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। मेरे नंबर उनको कहाँ से मिल गए पता नहीं, इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। तो दिन में 5,000 कॉल करते तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई है। कि ये लोग मुझे कॉल करते हैं। तो भैया किसी पद्मावती फिल्म को सपोर्ट करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, लेकिन अब तो पद्मावती नाम रहा ही नहीं है, तो पद्मावत है, तो पद्मावत है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और बहुत सारे कर्ज भी लग गए तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कुछ भी किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब तो कोर्ट में भी कहा गया है कि फिल्म को रिलीज़ होनी चाहिए। इतने सारे फिल्म को देखिए, 2.5 घंटे की फिल्म थी या 2 घंटे की, आधे घंटे की फिल्म तो कट गई, अब तक क्या रहा बताइए। तो अभी लोगों को देखने देना चाहिए, अब ये मेरा व्यू है, अब दूसरों का व्यू क्या है मुझे नहीं पता।